शैतान कहता है जो आखिरत में मान जाएंगे मैं उनका क्या करूँगा, वो मैं खलफिल मैं उनके लिए दुनिया इतनी खूबसूरत बना दूंगा कि ना जन्नत के शौक रहेंगे ना आखिरत का खौफ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको ख्वाबों के बारे में बताऊंगी। बहुत अलग अलग किस्म के ख्वाब होते हैं। एक ख्वाब जो होता है अच्छा ख्वाब, वो अल्लाह की तरफ से आता है। दूसरा होता है गंदा ख्वाब, जो शैतान की तरफ से आता है। और तीसरा होता है वो ख्वाब जो आप सोने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, आपका जहन उसी चीज़ में रहता है, तो आप सपने में वही चीज़ देखते हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सोने से पहले एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत पढ़नी चाहिए और सो जाना चाहिए। ऐसे और भी बहुत बार होता है जब हम रात को कोई डरावना ख्वाब देख लेते हैं या हम चौंक कर उठ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उल्टी तरफ मुँह करके 3 बार थूकने की सूरत करनी चाहिए, थू 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 एक इमेजिनरी, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ सीधी तरफ मुड़ के सो जानी चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि जब आप बुरा ख्वाब देखिए आप उसे किसी से शेयर ना करें। So let me share some shocking facts about Quran. It has 6,000 verses in which angel and devil is mentioned 88 times. The word day is mentioned 365 times. The word month is mentioned 12 times. The word punishment is mentioned 117 times. Whereas the word mercy, forgiveness, is twice that, 234 times, showing you the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It was revealed over the course of 23 years by the man who couldn't read or write, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.